हुआ, नहीं फिर से गए, नो फिर से गाएंगे वापस, वो रिहर्सल थी ना, फिर फिर से ताली बजाओ जोर से से, ताली बच्चों की तो बजा। आवाज ही नहीं आ रही, मुझे मेरी आवाज आ रही है खाली। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओयो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रीता दीदी। थैंक यू थैंक बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, आप जिए हजारों साल, ये हमारी आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे हैप्पी टू यू, बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। आप सही में खूब सारे साल रहे, और इस पृथ्वी को आप जैसा एक, आपके ऐसा भी जरूरत है। हम लोग तो सब बहुत ही आभारी हैं आपके, खूब खुश रहिए आप। आप ही लोग से हम है ना, वो तो है, हम लोग परस्पर ही आप तो से हम है। लोग हाँ हैं दीदी, दोनों लोग एक दूसरे से हैं हम लोग। जी हाँ जी जैसे सही। सांस, प्राण और शरीर, चंदना जी हैप्पी बर्थडे, जैसे चंदना हम जी। दीदी बहुत बहुत जन्मदिन जो वो दीदी हम लोग का जानती है, वो प्राण और शरीर वाला है, जैसे आप लोग प्राण है, हम लोग आपका शरीर है। चेहरा नहीं दिख रहा है चंदना जी। हाँ दीदी, कह रहे हाँ हैं कि हम लोग का आप प्राण और शरीर वाला है स्थिति, जैसे प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व तो नहीं, और शरीर के बिना प्राण का कोई महत्व तो नहीं। हाँ वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे प्राण लोग जरा पटना आ जाइए। अरे दीदी बस थोड़ा सा, बस हाँ या कृपा कर दीजिए, हम लोग के पति भी आपसे जुड़ जाए। ये अब तो सही है, बच्चे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे सारे बच्चे जुड़ते जाएंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। सचमुच ये, अब हम लेकिन देख पद्मा जी आपका पहल बहुत अच्छा था। पद्मा जी आपको बधाई होनी चाहिए अलग से, क्योंकि आप ही का पहल था ये, और बहुत अच्छी बात है। हम सभी खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको सही बात जोड़ना ये, हाँ बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। चलिए अभी शुरू करें अपन। जरूर। हाँ जी, ऊपर होगा गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। सूक्ष्म रूप में उपस्थित न्यासियों प्रणेता डॉक्टर बीपी शाही गुरु जी, अखंड गुरु सत्ता, ईश्वरीय सत्ता और सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को, तथा आदरणीय रेणुका दीदी, आदरणीय रेखा दीदी और दीदी के माता पिता को सादर प्रणाम। सभी का दिल से आभार कि उन्होंने हमें रीता दीदी जैसा मार्गदर्शक सुंदर उपहार के रूप में प्रस्तुत किया है। रीता दीदी को विशेष प्रणाम। रीता दीदी को और हम सब न्यास योग ग्रुप्स की ओर से जन्मदिन की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। आइए चलिए, सबसे पहले हम रीता दीदी जी की वर्चुअल माता जी, आपको पता है कौन है वर्चुअल माता जी, आप देखेंगे अभी, ठीक है, माता जी से मिलवाती हूँ और वह माता जी आपको दिखाएंगी कि रीता दीदी कैसे पैदा हुई है, ठीक है। चलिए माता जी, गायत्री माता जी। आवाज आ रही है ना?
आज माँ उद्विग्न क्यों है? ओ, आज का भोजन इतना नमकीन क्यों है? माँ तो रो रही है। माँ तुम क्यों रो रही हो? मत रो माँ। तुम अपने गर्भाशय पर मुक्के क्यों मार रही हो माँ? ए डॉक्टर, क्यों उसे ये दवा दे रहे हो? तुम तो मेरी धड़कन सुन पा रहे हो ना? तुम माँ को बताते क्यों नहीं? मैं जीना चाहती हूँ। माँ को दवा मत दो। माँ, तुम्हारी परेशानी ये है कि बेटी को भी बच्चा हो और तुम्हें भी? ये शर्म की बात है। माँ, अपने गर्भ में जगह देने से पहले ये सोचती ना। अब मुझे मार दोगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा? दीदी, क्यों उसे दवा खाने को पानी दे रही हो? ओह, कितनी कड़वी है। मैं कुछ देर सांस बंद कर लेती हूँ, थोड़ी देर शांत ध्यान में चली जाती हूँ। माँ को लगेगा मैं ठंडी हो गई तो दवा बंद कर देगी। मैं जीत गई। डॉक्टर ने कह दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है, उसे आने दीजिए। इससे पहले जिस गर्भ में मैं थी, वहाँ कितना प्यार मिलता था। उनके साथ मुझे गर्भकाल तक ही रहना था। मुझे इस गर्भ में जल्दी आना था, सो उस माँ को छोड़ यहाँ आ गई। अरे, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अब भागलपुर के बांका की होने जा रही हूँ मैं। ये क्या, वहां बेटियों को भांग चटा कर मार दिया जाता है? क्या उस गांव के हर घर में बेटियों की लाश सजी है? नहीं, चाहे मेरे गांव की जो परंपरा हो, मेरे पिताजी मुझे नहीं मरने देंगे। माँ की मैं छठी संतान, एक भाई असमय मौत का शिकार हुआ। माँ की बातचीत से लगता है कि पिताजी पारिवारिक मामले में थोड़े लापरवाह हैं। माँ की शायद सुनते भी नहीं है। पालन पोषण की समस्या के कारण वो मुझे नहीं लाना चाहती है इस धरती पर। ओ माँ, थोड़ी ताकत लगाओ, तुम्हें दर्द से छुटकारा मिले। दाई माँ की मदद से दीदी का बेटा झट बाहर आ गया था, मैं भी झट बाहर आना चाहती हूँ। ये लोग मुझे रोने को क्यों बोल रहे हैं? रोने को थोड़ी ना आई हूँ मैं। पहले रुदन के साथ मैं संसार की हो जाऊंगी। मुझे नहीं होना है संसार। पहले बता देते कि भरी हुई सांस लेने के लिए रोना जरूरी है तो तुरंत रो देती। मैं कुछ भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। मुझे तो संसार में रहकर भगवान का होना है। वेरी तो नाइस तो मजा आया, दीदी को देखा कैसे आ गई दीदी, है ना? दीदी तो आ गई इस बार। गायत्री हूँ। वर्चुअल वर्चुअल माता ये सुन के और मजा आया। माता, मैं उसको रोज वही चिढ़ाती हूँ, और जब तक वो मूवी बन रही थी तब तो रोज चिढ़ाती थी उसको तो इसीलिए आज आप सबको भी मौका मिलना चाहिए, इसीलिए कहा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गुरु वंदना से शुरुआत करते हैं, कोई भी काम हम गुरु वंदना से करते हैं, तो चलिए हम गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरु कृपा ही केवलं, गुरु कृपा ही केवलं, गुरु कृपा ही केवलं। चलिए आज हम सबसे पहले रेणुका दीदी आई है क्या? नहीं तो रेखा दीदी से शुरुआत करेंगे। रेखा दीदी, आप दीदी के बारे में दो चार शब्द बोलिए। रेखा दीदी और रेणुका दीदी ने इन्हें सबसे पहले उठाया गोदी में और अपने मार्गदर्शन में इनको इस लायक बनाया कि सबसे पहले जी दीदी
ठीक है, मैं संबोधित करती हूँ। मेरी प्यारी बहन रीता, तुमको एक ननी एंजल के जैसे जन्म लेते हुए देखा मैंने। तुम मेरे साथ खेलते, खाते, पढ़ते बड़ी होती गई। स्कूल टाइम से ही तुम बिल्कुल अलग सी थी। सबों के लिए तुम हमेशा खड़ी रहती थी। अपनी परवाह करते हुए तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने। और सभी के आशीर्वाद से देखो आज तुम किस मुकाम पर हो। साल दर साल कितने ही बच्चे तुमसे जीवन का अनोखा अलग पाठ सीखकर जीवन में प्रवेश करते हैं। जाने कितने ही हृदयों को तुमने शांत जीवन का पाठ पढ़ाया है, खुलकर जीना सिखाया है। हम सबके लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। तुम्हारी ऊर्जा, उत्साह एवं मजाक की आदत तुम्हारे इर्द गिर्द का वातावरण कितना खुशनुमा और ऊर्जापूर्ण बनाकर रखता है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त, बहन और गुरु हो। तुम मेरी प्रेरणा हो। अंत में मैं हृदय से यह स्वीकार करती हूँ कि तुम एक अद्भुत व्यक्तित्व हो। अपनी इन सारी खूबियों को बनाए रखना। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब है ना खुशबू बोलना चाहती है, तो खुशबू आप पहले ले लेना। हाँ बोल दीजिए। दीपक कहने दी बाद में पागल। करेंगे। हाँ तुम पहले। ठीक है, तो सभी को प्रणाम, शुभ न्यास दिवस। जैसा कि हम जानते हैं कि दीदी का बर्थडे, दीदी हम सबकी गुरु हैं और दीदी का बर्थडे हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं। सब हम जिस तरह से हम पूरे साल दिवाली, होली, राखी, हर त्योहार का इंतजार करते हैं, वैसे ही दीदी का जन्मदिन हम सबके लिए एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे हम उम्र को छोड़ करके, जात पात को छोड़ करके, जेंडर की चीज को छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई को छोड़ के, हर चीज, देश विदेश को छोड़ के, सारी सीमाओं को तोड़ करके फिर हम ये करते हैं। क्योंकि दीदी ने हमें सच मायने में सिखाया ही सीमाओं को तोड़ना है, कायदे में रहकर, सीमा में रहकर सीमाओं को तोड़ना, जो रूढ़िवादी सोच हमारे मन में बनी है उसको तोड़ना हमें सिखाया है। तो ऐसी गुरु को उनके चरणों में शत शत नमन। सभी हम ये सहज भाव से स्वीकार करते हैं कि उनकी उनके दिए गए न्यास योग के 10 वाक्यों के साथ साथ दीदी ने जिस तरह से उन्हें हमें समझा के हमारे सहजता से जीवन में उतारा, हम सभी की मानसिकता बदली है और उससे स्वतः रूप से हमारा जीवन बदला है। तो ये हम सब जानते हैं, 10 वाक्यों से हमारा सबका जीवन बदला, मानसिकता बदली और बहुत परिवर्तन आया। अब वो जो हम कई बार पहले बोलते थे अकेलापन है, अब हम उसे एंजॉय करते हैं। वो हमारी यूनिकनेस है, हम जिसे अब एंजॉय करते हैं। और हम सब अपने अपने दुनिया में रहते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कई बार पहले हम भीड़ में होते थे और अकेलापन लगता था, पर अब हम अकेले होकर के भी अकेला फील नहीं करते, कोई बाउंड्री नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ी बात लगती है कि किसी का व्यक्तित्व इतना गहरा होना, जो दिखे कदकाठी रंग रूप में हमारी ही तरह, पर वो इतनी गहराई से हमारे ऊपर असर कर जाए कि हमें पता न चले कि हम कब बदल गए। और हम बदले अच्छे के लिए, हम बदले नहीं, हमारा मूल रूप सामने आया। जिस तरह से एक मूर्तिकार मूर्ति को पत्थर के अंदर, वो टाच टाच के, टाच टाच के एक मूर्ति गढ़ता है और वो पूजनीय हो जाती है, उसी तरह दीदी हमारी मूर्तिकार है। हम लोगों को हर 10 वाक्यों को प्यार से, कभी डांट के, कभी गुस्से से, कभी दिखावे के गुस्से से, हर तरह से हम लोगों को तराशने का काम कर रही है। तो इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह की सत्ता कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। ये परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है। जब हम कहते हैं कि हर हर युग में कई तरह के अवतार लेते हैं जन्म, दीदी का उसी तरह का एक रूप का होना है, जहाँ पे कि उनके जीवन में, जब हम रामकृष्ण परमहंस उनकी लिखी पुस्तक पढ़ते हैं, उनकी जीवन गाथा, या जब हम उनके साथ में किसी भी तरह की क्लास अटेंड करते हैं, तो उनके साथ में संसार और अध्यात्म को कैसे बैलेंस करना है वो सीखना, और कितना कितना सरल और सहज जीवन जी करके भी आप उच्चतम हो सकते हो, ये चीज उनसे सीखना। संसार में रह करके भी हम जब बात करते हैं समाज की, या कि हमें ये परेशानियां हो रही है, तो उसी संरचना में रहते हुए कैसे खुद को भी और संरचना को बदलना है, खुद पे कैसे काम करना है, वो चीजें दीदी के साथ में सीखी है। बहुत मतलब आत्मनिर्भर बनना सिखाया। हम सिर्फ आत्मनिर्भर, जहां सिर्फ सोचते थे कि हम पैसा कमा लें उसी को आत्मनिर्भर है, वो नहीं, सोच से कैसे आत्मनिर्भर होना है, और कैसे जो भी कोई ऐसी सोच या कहीं ऐसा व्यवहार है उसको कायदे में, मर्यादा में रहते हुए कैसे बदलना है और खुद के ऊपर कैसे काम करना है, वो चीजें बहुत सहजता से सीखी। सबसे इंपॉर्टेंट दीदी के साथ में बहुत चीजें सीखने के साथ सीखी सहजता।
सरलता, जितने आप सहज हो, जितने सरल हो, जितना आप इतना इतने सादा जीवन जीते हो, उतने आप गहरे होते जाते हो। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि पेड़ की जितनी जड़ें गहरी हैं, उसका किसी भी आंधी तूफान में वो डगमगा नहीं सकता, वही व्यक्तित्व दीदी का रहा। और दीदी ने वो हम सबके अंदर वो पूरी तरह से हर एक के व्यक्तित्व को पढ़ते समझते हुए ढालने की कोशिश की कि आज हम सब लोग एक रूप से यहाँ पर एक इसको एक बड़े उत्सव के रूप में हम यहाँ पर मतलब है कि हमारे लिए दिन बहुत बड़ा हो गया है कि आज वो ईश्वर कृपा जो हुई थी जब के दीदी का जन्म हुआ और वो आज तक यहाँ पे सतत काम करती आ रही है, वो हमने देखा दीदी के साथ में। हर तीज त्योहार हम मनाते हैं, हमें लगता है ये ईश्वर है वो ईश्वर है, पर ईश्वर के दर्शन खुद में करना, खुद के अंदर वो ढूंढना, वो दीदी के साथ सीखा। तो दीदी का जन्म तो बहुत सारी चीजों के साथ हुआ, बहुत सारे डर हम में थे, पर जब दीदी का ये कहना कि ब्रह्मांड में तो कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक हो रहा है, ये चीजें हर तरह का डर खत्म कर देती है। हमारे अंदर ये चीज होना कि हम तो जॉब नहीं करते, डिपेंडेंट है, तो अपनी सोच से इंडिपेंडेंट बनाना। तो ये 10 वाक्यों के साथ साथ जो इस तरह की चीजें दीदी के व्यवहार से, दीदी के साथ रह के सहजता से सीखी, उन सबसे जीवन जो परिवर्तन हुआ उसके लिए तो अनंत धन्यवाद दीदी आपको। इतना सरल व्यक्तित्व कि हर एक के दिल में अपनी जगह बना लेती है दीदी। हम लोग बहुत जमीन जायदाद घर बनाते रहते हैं, पर कायदे से दिलों में जगह बनाना वो दीदी के साथ में सीखा। हर एक छोटा हो या बड़ा हो, सबके साथ में कैसे व्यवहार करके और जगह बनाना है वो दीदी के साथ में सीखा। तो मेरा तो बहुत जीवन सफल रहा, सभी के साथ में, जैसा सब लोग अपने अपने विचार करेंगे अभी। तो पहले जो हम कहते हैं महिला पुरुष का भेद या तकलीफ या बहुत सारी चीजें हैं, पर वहां नहीं, महिला से पहले मानव बन के जियो, महिला पुरुष से ऊपर उठ करके जीना कि आप मानव हो और मानव जीवन जियो, ये सब चीजें दीदी के साथ में बहुत सीखी। तो अब पहले से काफी अवेयरनेस है, हम बहुत सोए हुए थे, दीदी ने जगाने का काम किया। तो बहुत बहुत कहने को बहुत कुछ है चीजें, पर मैं जानती हूँ सभी लोग यहाँ पर हैं, अपने अपनी विचार व्यक्त करना चाहेंगे, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे जो उनके दिल से निकलेंगी, दिमाग से नहीं, और वो बहुत सहज होगा। मैं भी बहुत कुछ लिख करके सोच रही थी, ऐसा बोलूंगी वैसा बोलूंगी, पर अभी कुछ लिखावट कुछ नहीं, जो मेरे अंदर का भाव था वो पूरी तरह से यहाँ बस व्यक्त करने की मैंने कोशिश की। कि दीदी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, मुझे मेरे महिला होने पे गर्व करवाने के लिए, मुझे मेरी यूनिकनेस से इंट्रोड्यूस करा के और उससे प्यार करवाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए अपने शिष्य के रूप में। और मेरे को तो हर रूप में दीदी की, जब एक हम कायदे के इंसान हो जाते हैं तो फिर चाहे वो रोल माँ बेटी बहन पत्नी या कोई भी हो, हम बहुत अच्छे से निभा सकते हैं क्योंकि हम अंदर से इतने निर्मल हो चुके होते हैं। वो चीज आपके साथ सीखी, तो आपके आपको बहुत 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 धन्यवाद आप जैसी हैं वैसी होने के लिए और हमको हमारे असली रूप से परिचय करवाने के लिए। तो बहुत 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 धन्यवाद दीदी आपको, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। बर्थडे गिफ्ट तो आपको क्या दे हम, पर ये जरूर है दीदी कि सब लोग अपने तरह से जिसको जो लगता है वो देना चाहते हैं। मैं भी दीदी एक चीज आपसे, आज आपके जन्मदिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो यही वादा करूंगी कि मैं, आप मेंटल लेवल पे तो बहुत काम करवा रही हैं, मैं फिजिकल लेवल पे थोड़ा आलस कर जाती हूँ, तो आज से प्रण लेती हूँ कि मैं डेली फिजिकल एक्सरसाइज भी करूंगी, तो मैं उस तौर पे भी फिट होकर के, मानसिक रूप से आप बहुत काम कर रही हैं, फिजिकली मैं खुद काम तो करके एकदम फिट होकर के आपसे मिलूंगी। बहुत बहुत प्रणाम दीदी आपको, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया। आपका प्रण हम सब विटनेस हैं उसके लिए। ईयर बहुत देखेंगे नेक्स्ट अच्छा, 21 अक्टूबर हाँ ये बहुत अच्छा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम करेंगे दीप प्रज्वलन, और अनीता पांडे दीदी हैं जो हमें दीप यज्ञ करवाएंगी छोटा सा, और दीप प्रज्वलन के साथ में हम लोग आहुतियां भी देंगे। आप सभी अपनी अपनी थाली तैयार रखे हैं ना, तो बस दीप पहले से प्रज्वलित करके रखा है, खुशबू तो और चल रही है। चलिए नहीं, वो चलिए, मैंने कर लिया था शुरुआत के समय। सभी लोग अपनी थालियां सजा लेंगे, सभी दीपक अपना बहुत अच्छे से, सभी लोगों ने जरूर से थालियां सजा के रखी होंगी। एक मिनट मुझे देना, बंद कर दूं। ये बर्थडे गर्ल किधर है, दिख नहीं रही। दीदी बहुत बहुत प्रणाम आपको, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा खुशबू ने कहा कि मतलब हम सब आपको पाके जीवन में बहुत ही धन्य हो गए, और मतलब क्या सोचते थे अपने जीवन में,
और कभी बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था कि कभी कुछ कर भी पाएंगे, और दीदी की वजह से आज हम सब जो है अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, और कुछ करने की, इंडिपेंडेंट होने की, मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आया। अब मैं धीरे धीरे मैं अपना काम भी शुरू कर पाई हूँ दीदी की वजह से, और आगे बढ़ पा रही हूँ। इसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में दीदी का बहुत योगदान है। तो दीदी को जन्मदिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए, आइए जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी मिलकर दीप यज्ञ करें, ताकि ये जो ज्ञान का प्रकाश है वो दीदी के माध्यम से हम सबके अंतस को आलोकित करे, और ये और विस्तारित होता हुआ चला जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। हम सबके आचरण मंगल हो, हम सभी भावना करेंगे कि हम सभी के ऊपर जो है देवताओं का अनुदान वरदान बरस रहा है। इस भाव के साथ आइए मंगलाचरण। सभी भावना करेंगे कि हम सभी के ऊपर ईश्वरी देव शक्तियां, हम सबके, जैसे दीदी हमेशा कहते हैं, सीधा देवताओं से ही मांगो, इंसान से क्या करना, देवता हमारे ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, हम सभी पर देवताओं का अनुदान वरदान बरस रहा है। इस भाव के साथ आइए हम सभी मंगलाचरण करते हैं। ओम भद्रम कर्णे भिष्णुयाम देवा, भद्रम भद्रम पश्येमाच्छभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्टुवाग्भंस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। देवताओं से जुड़ने की पहली शर्त तो पवित्रता ही है। आइए हम सब अंदर बाहर पवित्र हो रहे हैं ऐसा भाव करते हुए पवित्रीकरण करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा, यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु। अगला क्रम प्राणायाम का। हम सभी जानते हैं हमारा जीवन इस प्राण शक्ति से ही संचालित है, तो उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने हेतु हम विशेष प्राण शक्ति को धारण करें। आइए मंत्र के माध्यम से हम एक प्राणायाम की क्रिया संपन्न करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, पुनः श्वास बाहर छोड़ेंगे और पुनः थोड़ी देर रुकेंगे। आइए मंत्र के माध्यम से। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी अपने सामान्य स्थिति में वापस लौट कर आते हैं। चंदन धारणम। आइए सभी भाव से देवी को तिलक करेंगे। भाव करें, सभी ने अपने अनामिका का उंगली में रोली चंदन लेकर के रखा है। हम भाव के साथ ही दीदी को मंत्र के साथ सभी लोग तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम। आई इस रक्षा सूत्र के माध्यम से आज हम सभी ये संकल्प करेंगे कि दीदी ने जो हमें सिखाया, दीदी ने जो हमें बताया, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पाए। सभी विवाहित महिलाएं जितनी हैं, सभी अपने बाएं हाथ को पकड़ेंगे और बाकी सभी अपने दाहिने हाथ को, सभी भाई और सभी अविवाहित बहनें अपने दाएं हाथ को स्पर्श करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और ये संकल्प करेंगे, दीदी ने जो हमें 10 वाक्य सिखाए हैं उस पर अटल अमल हमें करना है। और कोई ना कोई, जैसा भी खुशबू ने लिया तो वैसा कोई ना कोई एक प्रण सभी आज अवश्य लेंगे। तो रक्षा सूत्र को वर्ण करने का यही महत्व है। सिर्फ धागे बांध लेने से बात नहीं बनती, तो एकदम मुट्ठी बांध के आप सभी संकल्प लेंगे आज हम। आइए दीदी के जन्मदिन पर यही हमारा एक गिफ्ट होगा उनके लिए सबसे बड़ा। तो आइए सभी प्रण करते हैं। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। गुरु वंदना। आइए
हम कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु की शरण जाकर ही करते हैं। तो आइए उन गुरु का ध्यान, जिनकी शरण में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, और आज स्वयं आज उस गुरु का जन्मदिन है और हमें ये जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आइए अपने अंतःकरण में उस सद्गुरु की चेतना को हम सभी धारण करें, उनसे प्रार्थना करें कि उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा मिलता रहे, उनकी उपस्थिति का अनुभव हमारे जीवन में हमेशा होता रहे। इस भाव के साथ हम कभी भटक ना पाए, वो हमेशा हम आगे बढ़ते रहें, वो हमेशा हमें जगाते रहें। इन्हीं भावनाओं को हृदय में धारण करके आइए सभी गुरु का ध्यान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दो लाइन जो दीदी के लिए मैं गाना चाहती हूँ गुरु वंदना के रूप में। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, कामना है तुम्हें जिंदगी में सुन सकें जागते और सोते। हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, हर निमिष बांसुरी के सुरों सा पा सकें हम इशारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, हर तरफ था भयंकर समुंदर, जीर्ण थी नाव जीवन की नैया, क्या पता ये कहाँ डूब जाती, क्या पता ये कहाँ डूब जाती, जो न मिलता सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। ओम श्री सद्गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वदेव नमस्कार। आइए मार्गदर्शन हेतु जीवन में हमें देव शक्तियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वे हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करें, हमारी प्रगति में सहयोग प्रदान करें। इस भाव के साथ आइए हाथ जोड़कर सभी देव शक्तियों का आवाहन करते हैं। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री मन्महाकालाय नमः। भाव से सूक्ष्म रूप से सभी आवाही देव शक्तियों का पंचोपचार पूजन करेंगे, भाव करेंगे कि हम सब कुछ इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, वहीं से लेकर के उन देव शक्तियों को वहीं से पूजन दे रहे हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए अग्नि स्थापन करें, सभी अपनी अपनी थाली जिन्होंने सजा के रखी है सभी मंत्र के साथ आइए दीपक प्रज्वलन करते हैं। यह दीपक का प्रकाश दीदी के साथ साथ हम सबके भी जीवन को आलोकित करे, साथ ही ये जो दीपक का प्रकाश का गुण है, अग्नि का गुण है कि हे अग्निदेव आप हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, शक्ति संपन्न बनाएं, आपके अनुरूप बनने और दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें और हम भी आपकी तरह सुगंध और प्रकाश बांटते रहें। इसी भाव के साथ आइए सभी अपनी अपनी थाली में दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोजस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम् विधेम ओम अग्नये नमः जलम् गंधाक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। आइए इस प्रज्वलित अग्नि में गायत्री महामंत्र, प्रेम के मंत्र, न्यास के मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से दीदी के लिए हम सभी अपनी अपनी आहुतियां भावनात्मक रूप से समर्पित करेंगे। कमर सीधी, आइए भाव करें। सबसे पहले तीन आहुतियां गायत्री मंत्र की समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। आइए दिव्य प्रेम मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। यह प्रेम प्रेम और प्रेम यह सबके दिलों में पूरे ब्रह्मांड में विश्व घर घर से निकल के पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रेम हर दिल में आलोकित हो। जो दीदी ने हमें सिखाया सबसे पहला मंत्र दिव्य प्रेम मंत्र, आइए उसी प्रेम की ऊर्जा को धारण करते हुए दिव्य प्रेम मंत्र से दीपक में आहुतियां समर्पित करते हैं। दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो स्वाहा दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो स्वाहा दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो स्वाहा। आइए अगला मंत्र दिव्य क्षमा का मंत्र। सबसे कठिन है क्षमा करना और क्षमा मांग लेना, और दीदी ने सबसे बड़ी इतनी सहजता से हमें क्षमा के भाव को आरोपित किया कि कहीं किसी के भी मन में किसी से कोई द्वेष दुर्भाव ना रहे, क्षमा कर दे और क्षमा मांग ले, हम सबके अंदर ये भाव पूरी तरह से विकसित हो। आइए दिव्य क्षमा मंत्रों की आहुतियां समर्पित करते हैं। दिव्य क्षमा प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो स्वाहा दिव्य क्षमा प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो स्वाहा दिव्य क्षमा प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो स्वाहा। आइए दिव्य लक्ष्य की एक आहुति समर्पित करेंगे। हम सबको जीवन का लक्ष्य जो दीदी ने बताया है समझाया है सबको
सबको जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, एक लक्ष्य का निर्धारण हो पाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में हम सभी आगे बढ़ पाए, इन भावनाओं के साथ आहुतियां समर्पित करते हैं। दिव्य लक्ष्य प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य लक्ष्य प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य लक्ष्य प्राप्त हो, सर्व कार्य सिद्ध हो। आइए अंत में हम सभी महामृत्युंजय मंत्र से दीदी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य की प्रार्थना करते हुए भगवान महाकाल को आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्येमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्येमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयायै इदं नमः। पूर्णाहुतिः। आइए हम जो भी कार्य करें वह सभी कार्य पूर्णता को प्राप्त हो, हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए जीवन में, हम सबके व्यवहार से हमारे अंदर सभी के अंदर ऐसे सत्कर्म जागृत हो जो ऐसी सुगंध पैदा हो, यज्ञ का जो प्रभाव है, दीपक की जो रोशनी है, दीपक का जो सुगंध प्रकाश है, वो हम सबके अंदर ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करे कि सभी में सत्कर्म करने की उमंग उठे, दीप से दीप जलने लग जाए, ऐसी भाव करते हुए आइए पूर्णाहुति मंत्र के साथ पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पुनर्गं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पुनर्गं स्वाहा। आइए भाव आरती संपन्न करते हैं। कोई त्रुटि कोई भूल चूक रह गई हो तो हम आपसे प्रेरणा लें, आपके प्रति समर्पित जीवन जीना सीखें। गुरु से प्रार्थना कि आपके अनुशासन में हमारा श्रम समय प्रभाव ज्ञान यह सभी चले और हम सभी धन्य बने। आइए ईश्वर की समीपता का अनुभव, गुरु की उस समीपता का अनुभव करते हुए आइए हम सभी आरती करते हैं। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथा ने विश्व कहते ईश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुनवन्तै दिव्यैस्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आइए सभी आरती भाव करें, देव शक्तियों को, दीदी को यह आरती हम सभी समर्पित कर पा रहे हैं अपनी तरफ से। आइए दीपक को हाथ जोड़ करके इस दीपक के इस प्रकाश को प्रणाम करें, ऐसा भाव करें कि यह गुरु के स्वरूप में ही यह दीपक की ज्योति हमारे सामने मौजूद है। इस दीपक को गुरु का स्वरूप मान करके इसे प्रणाम करते हैं। आइए आरती ले लें सभी लोग। आइए हम सब इसके समापन क्रम की ओर चलते हैं कि इस ये दीप यज्ञ जो हम सब ने संपन्न किया, इससे जो हमें प्रेरणा अनुदान मिला वो सभी हम सबके जीवन में स्थिर हो, हम सबके जीवन में फलित हो, सभी पापों का शमन हो, सभी को शांति प्राप्त हो, इस भाव के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः
शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आइए, हमने इस दीप यज्ञ में बहुत सारी देव शक्तियों का आवाहन किया था। वो सभी देव शक्तियों की साक्षी में आज हम सभी दीदी का जन्मदिन इस दीप यज्ञ के माध्यम से मना पाए। आइए, सभी देव शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उन सभी देव शक्तियों को यथास्थान प्रस्थान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें बारंबार धन्यवाद करते हैं कि वे आई, अपना अनुदान वरदान हम सब पर लुटाया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आइए, हाथ जोड़कर गदगद भाव से सभी देव शक्तियों की विदाई करें। ॐ यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकामसमृद्ध्यर्थम् पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। दीदी को पुनः पुनः जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं ये बोलते हुए कि जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। दीदी आपको ढेरों ढेरों प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर दीप यज्ञ मनाया। हम सभी प्रेम के दीपक, दीदी के प्रेम के बिल्कुल दीपक बन के हमेशा जलते रहे ऐसे ही, और बिल्कुल बिल्कुल सभी को प्रकाश देते रहे। धन्यवाद दीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो दीदी को पर्सनली विश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी मैं, लक्ष्मी दीदी। लक्ष्मी दीदी आगे आ जाइए। पद्मा दीदी, पहले बच्चा लोग जाएगा ना, बहुत देर से खड़ा है, पहले केक कटवा लीजिए, फिर करते रहेंगे। कुछ अच्छा बच्चे ठीक है, लोग हैं ना, आ गया बगल से आए, फिर लोग को जाना है, अंधेरा हो रहा है तो जी 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 दीदी पहले। चलिए सबसे पहले हम केक काटेंगे। दीदी आप ही हाँ पहले शुरुआत कीजिए केक काटने का। हाँ सब फिर से हैप्पी बर्थडे बोलिए, दीदी केक काट रही हैं। दीदी, मैं हैप्पी जल्दी खड़ा करूँ क्या? बर्थडे टू यू, टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदी आप भी हाथ दीदी, पकड़ लीजिए उनके साथ में। तुम जियो हजारों हजारों साल, साल साल के साल दिनों दिन हो पचासे हजार, तुम जियो हजारों साल, साल साल के के दिन हो पचासे हजार, दिन। दीदी को बोलना, दीदी आप भी हाथ सास पकड़ लीजिए बच्चे के साथ। कितनी प्यारी है, तू कितनी सुंदर है, तू सुंदर मेरी रीता दीदी, है रीता दीदी, आप भी और बच्चे के साथ में हाथ लगा दीजिए, केक कट हो जाएगा। आपका जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे मिलेंगे लड्डू लड्डू हमको, हमको, जन्मदिन बताओ जन्मदिन बधाई बधाई बधाई, बधाई जन्मदिन बधाई हो, बधाई। बधाई दीदी बहुत बहुत बधाई, मैंने नारियल के तुम्हें लड्डू बनाए आपके लिए, खुद ही खाऊंगी भी। नारियल नारियल के लड्डू ऑनलाइन खिला रही है ना? हाँ हम चिक्की नहीं, जो खिलाते बनाया है हैं। वो तो खुद ही खाऊंगी अब। माय माय फेवरेट नारियल के लड्डू। लगाएंगे, अरे वाह, अच्छे बहुत सुंदर, लग रहे हैं हम लोग, बहुत बाहर सुंदर निकल लग रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रीता दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी हाथ लगा रहे हैं यहाँ से, वर्चुअल हाथ। पकड़ो, चलो उल्टा करो, सीधा करो, केक केक कटने से। इतना मस्त झूम रहे हैं वो लोग। असली जन्मदिन यही लोग मना रहे हैं। वही तो। ये लोग सबसे बढ़िया है, हर वीक हर संडे दीदी के साथ है। ये बच्चा लोग दीदी को भी खिलाओ हमारी तरफ से। हाँ 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 अरे कोई तो खिलाओ, ओ बच्चा लोग दीदी को खिलाओ, दीदी अच्छा को खिलाओ ना, कोई एक तो खिलाओ। बच्चे होते हम भी, अगर बच्चे होते ना हम हम भी होते अगर कद्दू गब्बू, खाने को मिलते लड्डू नारियल दीदी की और हाथी। दुनिया कहती हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू। यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते तो केक खाने को मिलता और मिलते लड्डू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी और नारियल के बर्थडे लड्डू भी टू यू। मिलते। हाँ नारियल के लड्डू भी मिलते। वाह मजा आ गया, बहुत टेस्टी लग रहा है हमको। हाँ अच्छा लोग मम्मी हम लोग भी हैं इधर। हाँ थैंक हाँ हम भी हैं, यू हम भी हैं। बहुत टेस्टी। दीदी दीदी दो लाइन आपके लिए, गाओ गाओ। जन्मदिन गाओ। की बधाई, कितना कौन गा रहा है? ये बसंती फूल लगा रहे हैं, बधाई बधाई, अरे लगा ले तो बहुत मजा आ रहा है। हम तो पहले ही मुंह दे के लगा लेते, इतना मस्त सीन है तू। हमको भी लगाओ। हम अपने तक द्वारा अनुमति बना तन, चलो उधर कर बेटा, अरे उसको खा बेटा, तुमको खिला है जीवन, अरे अरे जल्दी से हो रहा देव है। अरे नहीं भोग दे में खपे देह पावन, यही बात इस माँ तो बधाई, तुम्हें बात जन्मदिन तो बधाई बधाई, तुम्हें बधाई। दीदी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। अभी पल्लवी हमको दे रही है भाई गिफ्ट, बहुत सुंदर है हाँ गिफ्ट। इनको गिफ्ट्स भी दे दीजिए, चॉकलेट्स, हाँ चॉकलेट्स दे दीजिए, चॉकलेट्स। चॉकलेट्स वाह फुल भी मिल रहे हैं, सो स्वीट। थैंक यू
वो हाँ देखो लपक नहीं अब सांसा वही करने चले जाओ चलिए तो थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। केक खा लिए सब लोग इसके साथ ये वाला भी आया है। अरे यस, इसके साथ छोटी खींची क्या वाला। क्या दीदी यस मुझे लगा पता नहीं 9 बजे रात तक मिलेगा क्या होगा नहीं आ गया था, आ गया था, ये भी आ गया था, ये किरण जी का भी आ गया था, दोनों ये सत्येंद्र खोज खोज के लाए पद्मा दीदी लोग जो लोग भी भेजा हो सभी को बहुत थैंक यू। फोटो मैच कर दीजिए, हाँ बढ़ इधर आइए इस साइड से आए भैजू हाँ भैजू भैया, आप अपने हाथ से दीजिए ना। नहीं कौन, सत्येंद्र भैया कहाँ भैया? है, भैजू भैया कहाँ है, अंदर भैजू भैया नहीं है, आए ना? वही तो, अंदर है ना, सत्येंद्र भैया और ये नीलम है ना, सत्येंद्र नीलम। भैया की पत्नी है। हाँ हाँ धन्य, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बोलते बर्थडे, हुए दीजिएगा, अच्छा हाँ लग रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा सुंदर। हाँ ये मैं बोलने वाली थी, दूसरा वाला भी पकड़ लीजिए हाँ दूसरा वाला इसके साथ लेते हैं, ये छोटकी के साथ। आ छोटी जी आ जाओ आ जाओ, बहुत आ जाओ सभी आ जाओ। अरे सुंदर, वाह बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। ओके अब आगे आप लोग क्या कर अभी रहे बस लक्ष्मी दीदी हो? कुछ कहना चाहती हैं और फिर कविता दीदी। अच्छा जी लक्ष्मी लक्ष्मी दीदी, दीदी हाँ कहाँ गई, तो है नहीं रही कि नहीं है? हूँ मैं हूँ, हाँ मुझे नाम नहीं दिख बंद बोलिए ना दीदी। कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल रीता मैम, आपको जन्मदिन की ढेरों 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 चलो शुभकामनाएं। कॉफी कौन कौन लेगा। और ज्यादा क्या बोलूं मैं, इनके सानिध्य में 4 साल से ऊपर हो रहा है और काफी कुछ सीखा एक एक वचन से, जो है कि मन मन का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन कैसे हुआ पता ही नहीं चला। तो बस थोड़ा सा मैं भजन के दो अंतरे सुनाना चाहूंगी रीता मैम के लिए। लाखों से बढ़कर वचन ये तुम्हारे, हीरे मोतियों से लगे हमको प्यारे। है लाखों से बढ़कर वचन ये तुम्हारे, हीरे मोतियों से लगे हम को प्यारे। इस मन को तुम्हारे वचन भा गए हैं, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। इस मन को तुम्हारे वचन भा गए हैं, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। तेरा शुक्रिया किस जुबां से मैं गाऊं, सिवा आंसुओं के क्या भेंट चढ़ाऊं। तेरा शुक्रिया किस जुबान से मैं गाऊं, सिवा आंसुओं के क्या पेट चढ़ाऊं। क्षमा बन के रोशन जाकर
दिया है हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं, शमा बन के रोशन जहां कर दिया है हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। गुरु जी तेरे वचनों पे चल कर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। बस इससे ज्यादा और क्या बोलूं, सब कुछ इसी में ही समाया हुआ है। आज बहुत ही तेज मुझे कोल्ड हो रखा था जो कि आवाज निकल नहीं रही थी गले से, जी और गुरु दीदी, के सारथी में गुरु की नजर से कैसे वो शक्ति भी आ जाती कि शब्द जैसे तैसे भी वो निकल ही पड़ते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत आभार। बहुत अच्छा बोला दीदी, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर। अब है ना, आज जो हमने इतने दिन से मेहनत की थी, सभी लोगों की एक साथ, सभी लोगों की विशेष एक साथ, अब दीदी के लिए एक सरप्राइज। ठीक है, गायत्री प्ले करो। दीदी के लिए बर्थडे का गिफ्ट, हाँ एवरीवन, इट्स माय बर्थडे। रीता दी, आपके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है, उसी में से चंद भाव मैं यहाँ आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जब हालात बिखरे हुए हों, तब सुंदर ढंग से कैसे जिए, ये आपके सानिध्य में सीखा। जब सभी पासे उल्टे पड़ रहे हों, हास्य और आनंद कैसे न गवाएं, ये आपके सानिध्य में सीखा। जब परिस्थिति ऐसी हो कि मन अशांत हो, शांत कैसे रहें, ये आपके सानिध्य में सीखा। जब काम बड़ा कठिन लग रहा हो, उसमें लगन से कैसे जुटे रहें, ये आपके सानिध्य में सीखा। प्रलोभन, प्रशंसा और खुशामद के बीच तटस्थ कैसे रहें, ये आपके सानिध्य में सीखा। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आपका सानिध्य हमेशा हमेशा हम सबको बना रहे। जनों में उलझते चले जाना तो हमें कंडीशनिंग से मिला ही है, तो बहुत छोटा सा हो गया। ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको अलग अलग, मतलब पूरा कंपाइल करके, सभी के वीडियोस और सभी की विशेष आपको कंपाइल करके दी गई है, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और आगे अब हम लेंगे कविता दीदी को। कविता दीदी आप हो? कविता दीदी, पहले तो दीदी को हाँ जन्मदिन की ढेर ढेर सारी बधाइयां। दीदी इधर देखो, कविता दीदी, दीदी इधर देखो। थैंक यू और ये वाह। जब आऊंगी तो लाऊंगी, पहन लो। पहन पहन दिया। लिया। चलो अब एक छोटा सा गीत बर्थडे का गाओ कि दूसरा कुछ। निकले
मेरा प्रशांत तेरा हरिसा पूजा तुम्हारा हर पल मेरा प्रशांत तेरा ठीक से जाना। प्रशांत तेरा हैप्पी बर्थडे दीदी वंस अगेन। थैंक यू, धन्यवाद कविता दी, बहुत सुंदर। हाँ दीदी, अभी संगीता दीदी धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम तो मेरी गुरु और मेरी दोस्त, सर्वप्रथम मेरी दोस्त रीता दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे आपको गुरु भी मैं मानने लगी हूँ अब तो, क्योंकि गुरु हैं आप। और मतलब मुझे जो आपने रास्ते बताए हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल थी, बहुत ज्यादा, और वो सब आप उथल पुथल सारी समाप्त है और बहुत अच्छे से अब जीवन चल रहा है, निकल रहा है। तो फिर भी मैं, पता नहीं क्या, मेरी मुझे दोस्त वाली फीलिंग आपके साथ ज्यादा आती है, और मैं हर छोटी बड़ी बात जब तक तो बता ना लूं, शेयर ना कर लूं, उसके बाद की राय ना ले लूं, तब तो मुझे आप तो शायद आपको भी लगता होगा कि अब संगीता के फोन नहीं आते, क्योंकि शायद अब समस्या ही समाप्त हो गई है। तो फोन करके पूछूं क्या मैं आपसे, क्योंकि वाकई जीवन बहुत खूबसूरत बना दिया, जब क्या था और अब बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। और मैं सभी अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हाथ जोड़कर, कि आप लोगों ने दीदी के लिए इतना अच्छा अच्छा बोला, इतना सुंदर सुंदर कहा, गाने सुनाए, और कविता दीदी ने कितना अच्छा बोला। एंड बाकी तो खैर सबने ऑडियो वीडियो भेजे ही हैं दीदी के लिए, वो मैंने सब सुने हैं, बहुत अच्छा, सबने बहुत ही, बीना दीदी ने तो आपके नाम की पूरी परिभाषा ही बताई है, मतलब बहुत ही सुंदर, लवली उषा भाभी। सबसे बड़ी बात है कि उषा भाभी ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आपके लिए जो भी बोला, और स्मृति ने बहुत अच्छा बोला है, जो जिसने भी बोला, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई दीदी, मतलब आपकी, आपके लिए शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो आप दीदी, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत सच में, मतलब बस ऐसी आपकी खूबसूरती बने रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे मैं थोड़ा अपने टाइप में बोल रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतना कुछ दिया है वह हम ले नहीं पा रहे हैं उतना, ये हमारा वो है, कमी है हमारे अंदर, हम सभी के अंदर कमी है कि हम नहीं जुड़ पाते हैं टाइम से, पर आपने तो हमें बहुत कुछ भर भर के झोलियाँ दी हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी, अपने सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, सबने दीदी को 5 जन्मदिन पे इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया, और स्पेशली पद्मा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, गायत्री को धन्यवाद जो पीछे पड़ी रही, हमें जगाती रही और हम सोए हुए लोग मतलब इतने, मतलब मैं इसको पॉजिटिव उसमें लूंगी कि हम अध्यात्म के इतने उच्च स्तर पर दीदी जैसे कहती है ना, कि वहां पहुंच गए कि शायद मतलब कि पद्मा दीदी की उसमें आवाज से हम लोग जाग नहीं रहे थे थोड़ी धमकी से जागे हैं हम। तो पद्मा दीदी स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दीदी आपने तो इतना सुंदर मंत्रों के साथ में शुरुआत कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशबू तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम टाइम इधर उधर का होने के बावजूद भी तुम इतनी उससे लगन से जुड़ती हो, उसके लिए तुम्हें हैट्स ऑफ है। और नहीं तो बहाने भी हैं बहुत हमारे पास कि हमारा टाइम ऐसा था वैसा था, जो अक्सर कर हम सोच भी लेते हैं तो बस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा अब तुम बोलो। जी दीदी, सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। चलिए अभी हम शांति पाठ की ओर चलते हैं और इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से संपन्न हो गया, इसी के लिए धन्यवाद सभी को। ओम शांति ही शांति ही
शांति ही। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब हम भी एक शब्द बोले अब ओम शांति के बाद तो बोलने का कुछ बनता नहीं है। नहीं दीदी, जरूरी था वो सो तो। सॉरी मुझे आपको पहले पूछना चाहिए था वही तो मैं बोलने वाली थी, मेरा मेरा ऑफ था सॉरी कि दीदी को तो बोलने का अवसर दो दीदी अभी पैदा हुई है ना, ऐसा सोच अच्छा बेबी है है बेबी। आपको नहीं भाई, आपकी आवाज में आज सॉरी दिव्य बेबी है, दिव्य बेबी आपके बोलते से वर्ड्स पैदा होते ही बोलने लगी। एकदम अभी जी दीदी आप बोलिए। कार्यक्रम समाप्त हुआ और समाप्ति के बाद ही गुरु तत्व बोलता है जागृत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही सुंदर सभी की अभिव्यक्ति। बहुत अब हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत गहरे भाव से एक दूसरे से जुड़ गए हैं और एक दूसरे के भावनाओं को बहुत गहराई से समझने लगे हैं। सारे शब्द बिल्कुल हम लोगों के एक दूसरे के भावों से जुड़े हुए थे, और लग रहा था जो भी बोल रहे थे वो सभी की सामूहिक अभिव्यक्ति थी, और ये बहुत अच्छा लगा हमें। और हम लोग ऐसे ही अध्यात्म की ओर, जीवन में उत्साह की ओर, असल बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना अपने आप में उत्साह की ओर आगे बढ़ना है। यह सिर्फ अभी बच्चे आए थे तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि बर्थडे क्यों हम मनाते हैं, बर्थडे मनाने का मतलब क्या होता है। बर्थडे मनाना मतलब एक मनुष्य ही है जो जन्मदिन मनाता है, इतने जीव जंतु प्रकृति जो भी है, लेकिन उस बीच में मनुष्य अपने जन्मदिन को बारंबार बारंबार याद करता है। तो यह याद करना क्या है? पूरा समाज आपको याद दिलाता है, आप स्वयं को याद करते हैं कि यह जन्म आपका मनुष्य रूप में हुआ है, यह आप याद रखें, और मानवता के लिए आप हर समय तत्पर रहें। आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, हर साल आपको यह याद करने के लिए कि अब एक साल व्यतीत हुआ, क्या अब भी अपने उद्देश्य को तो पूरा किए या नहीं किए, अपने लक्ष्य को पूरा किए या नहीं किए, रुके हो तो बढ़ो आगे और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। तो यह बार हर साल साल दर साल हमें जन्म उत्सव मनाने का मतलब यही है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने ईमानदारी के प्रति, सभी चीजों के प्रति हम सचेत रहें, क्योंकि प्रतिदिन प्रति पल प्रति क्षण समय घट रहा है, और फिर जो घट गया चला गया वह वापस नहीं आ रहा है। अब एक साल जो हमारे जीवन का चला गया वह एक साल वापस नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब जो हमें मिला, जितना शेष हमें बाकी है, उस शेष पर हम विशेष काम करें, और विशेष काम कर हम समाज को कुछ दे, सृष्टि को कुछ दे, और एक साथ, सिर्फ अकेले नहीं। उत्सव मनाने का मतलब एक साथ होता है, यानी एक साथ हम एक चेन बनाएं, और उस चेन में प्रतिदिन हमारे चेन में नए नए लोग जुड़े। एक साल में कम से कम 365 लोग तो जुड़ जाए नए, प्रतिदिन एक नए लोग जुड़े, और अगर हम 365 लोग जुड़े हुए हैं आज, तो 365 × 365 होना चाहिए, है ना? उतना हर आदमी, अगर हर दिन एक व्यक्ति अपने साथ जोड़ता है तो 365, और अगर हम 365 है तो उसका गुना 365, और अगले साल फिर उसका गुना 365 होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम फैलेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जा फैलनी चाहिए। तो यह काम हमें हर दिन, इसीलिए कहीं कोई क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं, बैर द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, शक नहीं, किसी रिलेशनशिप से कोई गिडवांस नहीं, बस मौज, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम और क्षमा के साथ हम अपने जो चेन है,
अखंड ब्रह्मांड की ओर बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, और प्रतिदिन हमारे चैन इतनी बड़ी हो जाए अंततः कि हर घर में अध्यात्म की उच्चतम ऊर्जा स्थापित हो जाए, हर घर अध्यात्म की उच्चतम अवस्था से आगे बढ़े। हमारा उद्देश्य और अध्यात्म क्या है? जीवन जीने की उत्कृष्ट शैली, जीवन जीने की सबसे उच्चतम शैली, यही अध्यात्म है। मंत्र, जप, ध्यान, ये सब प्रक्रियाएं हैं उन तक पहुंचने की, जीवन जीने में आनंद के साथ जीवन जीने की जो शैली है उसके ओर बढ़ने के ये सब रास्ते हैं। तो हमें इन रास्तों पर चलते हुए, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, भक्ति का मार्ग है, सारे मार्ग हैं, जिस जो भी मार्ग हमें पसंद पड़े उस मार्ग से होते हुए हम जीवन के आनंद उत्सव में शामिल हों। तो आज के इस आनंद उत्सव को आपने आनंद में बहुत सुंदर तब्दील किया। आगे भी हम लोग का जीवन ऐसा ही आनंदमय रहे, इस शुभकामना के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेखा दी को बहुत धन्यवाद, रोज हमें उत्साह करती रहती हैं, सचेत करती रहती हैं। रेणु दी का बहुत धन्यवाद, हमारी दोनों बहनों का और हमारे भाइयों का, यानी परिवार के सारे लोगों का विशेष है कि वो हर समय हमें सचेत करते रहते हैं हमारे कि किस प्रकार का लाइफ आपको जीना है, किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की चीजें, जहाँ कहीं भी ऐसे लगता है कि हमें जानना चाहिए वो सब हमारे पास आता है उनके माध्यम से और हम कुछ नया कर पाते हैं। हाँ, आज जन्मदिन हमारा है, उस पर आप लोगों के लिए एक विशेष गिफ्ट तो मिलना चाहिए, रिटर्न गिफ्ट। तो रिटर्न गिफ्ट में कल आप लोगों को विशेष महालक्ष्मी का अनुष्ठान मिलेगा, कल 8 बजे हम लोग रात में जुड़ेंगे और 8 साढ़े 8 के बीच में हम लोग जुड़ेंगे और वहां पर लक्ष्मी अनुष्ठान, बहुत छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं, मगर बहुत विशेष मन, ये मंत्र के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे, ये मंत्र आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, मगर इस मंत्र के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। रेखा दी का अनुभव है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, दीदी के जॉब की जरूरत थी और वो 15 दिन इस मंत्र का जप की थी, जॉब मिल गया था। इसी तरीके से हमें कुछ लोन का अमाउंट का कुछ हमारा काम था जो बैंक से पास होना था, मैंने ये मंत्र उठाया और 8-9 दिन ही किया होगा कि वहां से सब चीज क्लियर हो गया। तो मतलब ये मंत्र बहुत कारगर, बहुत सारे लोग गुरु जी के यहाँ से बहुत सारे लोगों ने लिया और ये 15 से 20 दिन में काम करता है, बस हमें हृदय से जुड़कर इसे करना है। और अभी 24 तारीख को बहुत सुंदर गुरु पुष्प नक्षत्र का है और उसी के बाद आपका दीपावली आता है, लक्ष्मी महालक्ष्मी का दिन। तो 24 से 31 तक जब हम 7 दिनों का ये अनुष्ठान करेंगे तो मंत्र संख्या आपको अपनी मर्जी से करनी है, समय आपको अपनी मर्जी से लेना है, सब कुछ आपको अपनी मर्जी से लेना है। बस कल सिर्फ दीक्षा प्रकरण होगा कि मंत्र की दीक्षा हो जाएगी, उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने समय से करेंगे। और ये मंत्र बहुत बहुत पावरफुल है, एक बार आप अनुष्ठान पूर्वक करते हैं, फिर बाद में जब जब आपको इच्छा होगी, कभी ऐसा लगने लगेगा कि बहुत जरूरत है आर्थिक रूप से व्यवस्था ठीक करने की, तो इस मंत्र से काम होता है। तो यह रिटर्न गिफ्ट कल आप लोगों के लिए, जो लोग आप लोग जुड़ना चाहें जुड़ेंगे, पर ये दीक्षित लोगों का ही है। तो शेष लोगों के लिए एलिमेंट्री न्यास जो 7 बजे शाम में है उसी में एक सामान्य मंत्र दिया जाएगा लक्ष्मी का, तो वो लोग उसमें भी करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत दीदी धन्यवाद। एक बहुत धन्यवाद रह गया आपने, सबका दिया आपने, वो श्री अशेष जी का भी विशेष धन्यवाद जी, मेरे पति देव साहब, हाँ, तो उनका मैंने इसीलिए पूरा परिवार बोला, जब परिवार शब्द बोला तो उस परिवार में मेरे पतिदेव, मेरे पुत्र दोनों, जी। हाँ और सिर्फ वही नहीं, मेरे ससुराल में जितने मेरे देवर हैं उनके बच्चे हैं, मेरी ननद रही हैं, ननन के सबका मेरा बच्चे बहुत, वो बहुत विशेष, मतलब अभी वो चली गई कुछ दिन पहले, लेकिन अगर ससुराल का पक्ष हम कहें तो मेरी ननद का विशेष, जब हम पहली बार ससुराल गए थे
तो महिला में एक मेरी मदर इन लॉ थी और एक वो थी और कोई नहीं था, और उन्होंने इतना ज्यादा स्वागत और उनके द्वारा वहां के हर चीजों का बहुत, मतलब हम लोग बहुत बातचीत नहीं करते थे, बहुत बहुत गहराई से उनसे मुझे बहुत लगाव महसूस होता था। और अंतिम कुछ दिनों तक हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए थे, इसका मुझे अभी भी बहुत दुख होता है कि हमें करना चाहिए था ज्यादा। और उनके बच्चे लगातार, और एक वह लेडी थी कि उनके तमाम बच्चों से मुझे लगाव महसूस होता था, उनके लिए मुझे लगता था कि सभी के लिए सब चीज करना है। तो उन सब का मेरे जीवन के, मेरे व्यक्तित्व निर्माण में उन सभी का योगदान है, हर व्यक्ति का योगदान है, और इसीलिए मैंने सारे परिवार को एक में समेटा कि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छे और बुरे सारे अनुभव हमें सिखाते हैं और वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो उस व्यक्तित्व निर्माण में उन लोगों का बहुत सपोर्ट है। दोनों बच्चे मेरे बेटे, मातृत्व का जो सुख मिलता है, और फिर कैसे एक महिला अपने जीवन को बच्चों के साथ आगे बढ़ाती है वो हम और आप जानते हैं कि उसमें कितनी चीजें हम सीखते हैं, रोना, हंसना, मनाना, गुनगुनाना, घूमना, टहलना, हर चीज होता है। तो वो सारे तो धन्यवाद के सभी हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो थैंक यू। और आप लोग तो विशेष हैं ही, आप लोगों के साथ तो आगे बढ़ बढ़ कर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग ऐसे ही एक साथ मिलकर गाते रहे, गुनगुनाते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, और इतने खूबसूरत में आप सबके परिवार का आप निर्माण की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक मेंटालिटी के हम सभी लोगों को एक जगह, अलग अलग जगहों से जोड़ा आपने, तो आज लगता है नहीं कि हम लोग सभी अलग अलग हैं, सभी एक हैं, एक मानसिकता, एक विचार। तो इसका श्रेय तो आप ही को जाता है, आप ही जोड़े, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जन्म की बहुत बहुत बधाई जन्मदिन दीदी। की आपको बहुत बहुत बधाई दीदी। हम लोग बिखरे हुए मोती थे अलग अलग जगह पे, लेकिन आपने धागा बन के उसको गूंथ कर एक माला की तरह पहन लिया, और रो इसी दिया तरह हम आपने। आपके आपके गले में हम लोग रहे। बस यही कामना है आपसे कि ये हमारी इच्छा है और हम सबकी इच्छा यही होगी कि यही माला बन के आपके गले में हमेशा पड़े रहे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब जुड़े इसीलिए रहे। कविता दीदी ने इतनी बड़ी माला पहनाई है। हाँ, हाँ, कविता दीदी ने बहुत तो बड़ी माला पहनाई है। इतने वही लोग थे माला ना, तो सबको उस समेट के, सभी को समेट के पहनाया बिल्कुल, उस माले के सारे मन के आपने। हम लोग ही हैं। दीदी बिल्कुल, आप, दीदी आपको चरण स्पर्श प्रणाम, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की ढेरों शुभ शुभकामनाएं। और बस एक लाइन में अपनी बात कहूंगी, दीदी धन्य है यह जीवन हमारा पाकर सहारा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सदैव अपना अपनी कृपा बनाए रखें, सदैव हमें अपने सानिध्य में हमें सपोर्ट करती रहें। बड़ा दीदी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग अब साथ में ऑर्गेनाइजर रहेंगे। जो है टुडे के, पद्मा दीदी और गायत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें सबको जगाया, हम सबको। सभी का हाँ पद्मा धन्यवाद। दीदी, हमको भी 5 दिन से जगा रही थी। तीन दिन तक हम एसएसडार के अरे तो चुप हुई थी, दीदी और क्या मैंने भी होता, मैं सीट सीट से जाग के क्या करता जब गुरु जागता ही नहीं, तो इसलिए आपको भी हाँ, उनका चढ़ाया मैसेज हम देख के इग्नोर कर रहे थे, तो प्लीज प्लीज आ रहा था फिर। तो नहीं यार, और एक स्पेशल बात बताऊं, गायत्री मुझे है ना बोलने से मना की थी क्योंकि मैं बोलूंगी तो ज्यादा बोल जाऊंगी इसीलिए मैंने फोन नहीं किया। दीदी को भी बताया ही नहीं क्या प्रोग्राम है। दीदी का प्रोग्राम हो भी गया, मैं ही भूल गई दीदी को इसके इसीलिए लिए हमसे बात नहीं कर रही क्षमा। थी। बहुत ठीक, बहुत ये ऐसा सरप्राइज निकला ना कि कुछ पूछो मत, मुझे खाली अपने फोन आप को कर। कंट्रोल करना पड़ा। हाँ, तो हम भी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, हम भी अपने आप को रोके हुए थे कि बात ज्यादा करेंगे तो भाई ठीक नहीं है, फिर मेरा सरप्राइज गड़बड़ा जाता ना, हम बात कर लेते तो। थैंक यू। और आज दीदी आपके फेस पर है ना एक अलग ग्लो है।
हाँ ये होता है, बर्थडे के दिन हमको बहुत मजा आता है। और नहीं सच्ची में मतलब बहुत अलग ग्लो है आज, मतलब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग का कवर प्रेस्ट आ गया है, गायत्री ने बनाया हमारे संन्यास योग के जो बुक आने वाले हैं PhD वाले पर आधारित, उसका कवर गायत्री ने बनाया। अब यहाँ हम दिखा नहीं पाएंगे तो ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ दीदी आपने वो पे फेसबुक हाँ पे देखा डाला था, हम फेसबुक लोगों ने पे देख देखा ना लिया आप लोगों ने। हाँ है। हाँ जी बहुत भाई सुंदर है। हमने हाँ देख लिया दीदी, देख लिया हम लोगों ने, देख लिया बहुत सुंदर है, हाँ तो ये गायत्री का है बनाया हुआ, और बहुत गायत्री के सुंदर साथ बहुत निश्चित पद्मा सुंदर। दीदी भी उसमें कुछ कुछ की ही हाँ होंगी, बिना उनके सपोर्ट के तो होगा ना। गायत्री लगेगा उनका भी गायत्री तो। बेटा बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई हो तुमको। हाँ हाँ धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। गायत्री, और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दीदी लोग बहुत हाँ बात, एक चीज रह गई, ये सोन चंपा का फ्लावर आपके लिए बर्थडे पर सुगंधित अच्छा होता है, और एक मैं प्लांट जैसे आपको पैसे भेजूंगी, आपको लेना है, वो नांद्रुक करके है, वो 10 AC का काम करता है, अच्छा बहुत आप अच्छा एकदम महावृक्ष है वो, उसके लिए मैं कुछ राशि भेजूंगी आपको, तो आपको लेना है नांद्रुक। अच्छा नाम के साथ भेजिएगा, राशि भेजे ना भेजे नाम जरूर भेजे। राशि बाबा, मैंने प्रेजेंट नाम भेजेंगे तो उससे हम ले लेंगे, ठीक है ओके ठीक दीदी है, बहुत धन्यवाद। मंजू दीदी भी आज फ्री हो गई हैं, वाह। दीदी हम लेट से जुड़े दी, आपको हाँ बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आजकल आप कहाँ गायब रहती हैं, पता नहीं चलता है। आज आपके हाँ बर्थडे के नाम पे दिख गई। हाँ सही है। हाँ दर्शन दर्शन दुर्लभ है दीदी आपके, हम भी खुश होंगे ना आप लोग के साथ, इतने लोग के साथ एकदम मजा किए, थोड़ा देर से मन मिले। चंगा हो गया बिल्कुल, फुल के थोड़ा। हाँ बहुत ठीक है, तो अभी हम लोग इसको संपूर्ण करें आज के कार्यक्रम को, 7 बजे फिर हम लोग ध्यान में जुड़ेंगे। जी जी थैंक यू। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद।